हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग यूनिट टू यानी थियोडोलाइट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और हम लोग का ये सिलेबस के अकॉर्डिंग इस टॉपिक का जो वेटेज रहा है वो 20 मार्क्स का वेटेज रहा है, ठीक है ना। इसमें पार्शियली थ्योरी और पार्शियली न्यूमेरिकल है। इसमें एक ख़ास बात ये है कि एक न्यूमेरिकल पूछता ही पूछता है जिसकी वेटेज 6 नंबर की है। तीसरी खास बात यानी नोट पॉइंट के तौर पर आप समझने की कोशिश कीजिए, नोट पॉइंट के तौर पर समझने की कोशिश ये कीजिए कि 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछ लिए जाते हैं, जो कि पूरा सिलेबस सर्वे का देखा जाए तो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछने का है, जिसमें 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछ लिए जाते हैं। दुख की बात यह है कि मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे 1-2 ऑब्जेक्टिव मतलब गलत कर ही देते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को केयर कीजिए कि आप लोग इसको गलत ना करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक बात और यहाँ पे ये है कि ये थियोडोलाइट जो है वो प्रैक्टिकली है, या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है, प्रैक्टिकल यूनिट भी है अगर सर्वे का, और ये कोई एग्ज़ाम में नहीं बल्कि मतलब कहीं कहीं भाईवा देने जाइएगा ना, या कहीं कहीं इंटरव्यू वगैरह देने जाइएगा ना, तो यहाँ से आपकी भाईवा के रूप में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ पर भी विशेष फोकस करेंगे, ठीक है। चौथी बात यह है कि यहाँ पे आज के क्लास में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि थियोडोलाइट का आज डिफिनेशन यहाँ पे सीखेंगे, थियोडोलाइट का अप्लीकेशन सीखेंगे, और थियोडोलाइट कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि थियोडोलाइट बनाया क्यों गया, क्यों ज़रूरत पड़ा थियोडोलाइट के, इसके बारे में थोड़ा सा सोचने की कोशिश करेंगे, और हम फाइनली थियोडोलाइट का डिफिनेशन सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए टाइम को किल ना करते हुए, सर टाइम तो बर्बाद करिए दिए 2 मिनट, ठीक है, हम आगे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अगर आप सर्वे फर्स्ट में पढ़े होंगे जो भूल गए हैं कि होरिजेंटल होरिजेंटल एंगल को मेजरमेंट करने के लिए आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे थे जिसका नाम था कंपास, दूसरी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे थे वर्टिकल एंगल के लिए, उम्मीद है कि आप लोग इसे भी भूल गए होंगे और अभी जानने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है क्लिनोमीटर, ठीक है ना। अब बात कीजिए कि होरिजेंटल एंगल को मेजरमेंट करने के लिए आप कंपास यूज कर रहे थे और वर्टिकल एंगल को मेजरमेंट करने के लिए क्लिनोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे थे, तो आप ये दिमाग लगा रहे थे इंजीनियर होने के नाते कि होरिजेंटल के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ रहा था और वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करने के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ रहा था। पहला समस्या ये आने लगा। दूसरी समस्या आने लगा कि यहाँ से कंपास से और क्लिनोमीटर से अगर एक्यूरेसी की बात किया जाए, एक्यूरेसी की अगर बात किया जाए तो उतना एक्यूरेसी नहीं आ रहा था जितना आप लोग की एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट हो रही थी फील्ड में। तब आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग लगाना चालू कीजिएगा दिमाग, क्योंकि आप लोग हैं आलसी, काम काम करना और दिमाग ज़्यादा लगाना चालू कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग दिमाग लगाना चालू कीजिएगा तो आइएगा डंपी लेवल के पास। किसके पास आइएगा, वो डंपी लेवल एक इंस्ट्रूमेंट था, उस इंस्ट्रूमेंट के पास जैसे ही आइएगा और आने के बाद उसमें कुछ ऐसा चीज़ झूठ झूठ के जोड़ते रहिएगा, कुछ ऐसा ऐसे सीरीज जोड़िएगा, ऐसा ऐसे सीरीज जोड़िएगा, और जोड़ करके हम देखेंगे कि दोनों एक साथ तो नहीं मेजरमेंट हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, डंपी लेवल के पास जैसे ही आए तो हम लोग उसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट को यानी एक्स्ट्रा पार्ट को ऐड किए। क्या किए, एक्स्ट्रा पार्ट को ऐड किए। जैसे ही डंपी लेवल में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट को ऐड किए तो हम लोग को क्या मिला, होरिजेंटल एंगल, होरिजेंटल एंगल और वर्टिकल एंगल, होरिजेंटल एंगल और वर्टिकल एंगल दोनों एक साथ, दोनों मेजरमेंट होने लगा, एक साथ नहीं दोनों इस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट होने लगा। तब हम उस इंस्ट्रूमेंट को बोले थियोडोलाइट। क्या बोले वो, थियोडोलाइट। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि डंपी लेवल में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट को हमने ऐड किया और ऐड करने के बाद उससे होरिजेंटल एंगल भी मेजरमेंट होने लगा, वर्टिकल एंगल भी मेजरमेंट होने लगा, दोनों एंगल मेजरमेंट होने लगा एक ही इंस्ट्रूमेंट से, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोले क्या, थियोडोलाइट। इस बात को फिर से समझने की कोशिश कीजिए कि होरिजेंटल एंगल और वर्टिकल एंगल दोनों एक ही इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट होने लगा, और तब हम उसको बोल दिए क्या, थियोडोलाइट। थियोडोलाइट की सबसे खास बात तो ये थी
कि आपकी हॉरिजेंटल एंगल को मेजरमेंट करने के लिए अलग से सेटिंग नहीं करना पड़ेगा, वर्टिकल एंगल को मेजरमेंट करने के लिए अलग से सेटिंग नहीं करना पड़ेगा। एक बार फील्ड में आप इस थ्योरेटिक को सेट कर दिए तो मतलब आप हॉरिजेंटल एंगल लेने के लिए भी रेडी हो गए और वर्टिकल एंगल भी लेने के लिए, मेजरमेंट लेने के लिए रेडी हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या तकलीफ हो रहा था कि कंपास के यूज कर रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ आप हॉरिजेंटल एंगल ही मेजरमेंट कर रहे थे, क्लिनोमीटर का यूज कर रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल एंगल भी मेजरमेंट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे वो सारी समस्याएं का कर दिया एलिमिनेट, खत्म, और एक ही इंस्ट्रूमेंट मिला थियोडोलाइट, और थियोडोलाइट से ही हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेजरमेंट करने लगे और वर्टिकल एंगल भी मेजरमेंट करने लगे एक साथ। दूसरी बात आती है एक्यूरेसी की, चूँकि मेन बात थी आपकी एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी अगर एक्यूरेसी की बात किया जाए तो इससे जितना एक्यूरेट मेजरमेंट कर ले रहे थे, ये दोनों से जितना एक्यूरेसी आ रहा था उससे कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आ रहा था। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट के कंपेरिजन में थियोडोलाइट से एक्यूरेसी क्या रहा था, वह बहुत ज़्यादा आ रहा था, ठीक है। इसीलिए इसको बोलेंगे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या कर गया, वह एडवांस कर गया। क्या कर गया बाबू? एडवांस कर गया। इसीलिए इसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं बाबू? एडवांस सर्वेइंग में पढ़ते हैं। इस चीज़ को आप रियल फील कीजिए, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद हम इसकी डिफिनेशन पर विचार करते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या है, यानी थियोडोलाइट का डिफिनेशन की बात करें। थियोडोलाइट दिखाई पड़ रहा ना इधर? हाँ, थियोडोलाइट, ठीक है। तो थियोडोलाइट क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। लिखिए, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। दिखाई पड़ रहा है ना? हाँ, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजरिंग द हॉरिजेंटल एंगल एंड वर्टिकल एंगल। किसके साथ बाओ? तो एक्यूरेसी के साथ, विथ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, ठीक है ना। एक बात ध्यान दीजिएगा, आप स्पेलिंग चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है ना। बड़े ढंग से समझने, देखिए इसकी डिफिनेशन समझने में कोई समस्या नहीं होगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल को मेजरमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जिसको बोल रहे थे थियोडोलाइट, ठीक है ना। इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, इंस्ट्रूमेंट तो अपन बना लिया, हम लोग क्या क्या इंस्ट्रूमेंट तो बना लिया, अब इस इंस्ट्रूमेंट के यूज कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक दूसरा हेडिंग बनाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ थियोडोलाइट, ठीक है ना। एक चीज इसी का दूसरा हेडिंग भी बना सकते हैं, थियोडोलाइट का यूज कहाँ कहाँ करेंगे। देखिए, थियोडोलाइट तो सबसे पहला है कि वेयरिंग एंगल मेजरमेंट करने के लिए, हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल। दूसरी बात कि अगर सर्वे लाइन को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत सारे ऐसा एप्लीकेशन है जिसको अभी हम लिख देते हैं, उसके बाद समझाने की कोशिश करते हैं, टाइम बचेगा, ठीक है। जो मेन टाइम था हमने समझ, देखिए अब हमको यूज समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अभी हमने बोला कि इसका जो यूज करेंगे, मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल को मेजरमेंट करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है ना। दूसरी जो हम लोग यूज करेंगे, अभी अभी हम लोग को कर्व यूनिट समाप्त हुआ है, उसमें हम लोग डिफ्लेक्शन एंगल काची से मेजरमेंट कर रहे थे। अगर अभी आप लोग को याद थोड़ा बहुत होगा तो डिफ्लेक्शन एंगल भी हम लोग थियोडोलाइट से ही मेजरमेंट कर रहे थे, ठीक है ना। इस बात को समझने की पूरा कोशिश कीजिएगा। तीसरा बात, फॉर लोकेट द पॉइंट ऑन द सर्वे लाइन, सर्वे लाइन के पॉइंट को लोकेट करने में भी हम लोग क्या यूज करते हैं? थियोडोलाइट का यूज करते हैं, ठीक है। चौथी बात, प्रोलोंगेशन ऑफ सर्वे लाइन, सर्वे लाइन को अगर आगे बढ़ाना है तो भी वहाँ पे हम लोग किस चीज़ का यूज करेंगे बाबू? थियोडोलाइट का यूज करेंगे। पांचवा बात है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिफ्लेक्शन डिफरेंस इन एलिवेशन, एलिवेशन को डिफरेंस को पता लगाना है कि कौन सी पॉइंट ऊपर है, कौन सी पॉइंट नीचे है, तो वहाँ से भी हम लोग इस थियोडोलाइट का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? एलिवेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। याद होगा कि डंपी लेवल से एलिवेशन ही मेजरमेंट करते थे और उसी के एडवांस फॉर्म है, तो ये कन्फर्म है कि थियोडोलाइट भी आपकी एलिवेशन को मेजरमेंट करेगा। ये हुआ कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ थियोडोलाइट, ठीक है। हम लोग डिफिनेशन भी पढ़ लिए, यूज भी पढ़ लिए, अब जो हम लोग जो मूव करेंगे वो टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट की ओर, ठीक है। तब तक के लिए इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। हाँ, बहुत लोग को ये समस्या आ रहा था कि सर आप समय नहीं देते हैं छापने के लिए, लो चंडाल छापो।
अब हम लोग जो थियोडोलाइट बनाए हैं बहुत टाइप्स के थियोडोलाइट, बहुत मेनी थियोडोलाइट बना दिए, ठीक है ना। जैसे कि आप उसमें एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ते गए और मेजरमेंट मतलब इजी एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ते गए और हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थियोडोलाइट बनते चला गया, क्योंकि हाई एक्यूरेसी देते चला गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर थियोडोलाइट की टाइप अगर देखने की कोशिश करें, थियोडोलाइट की अगर टाइप्स देखने की कोशिश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी, देखिए आप लोग क्या कीजिएगा ना कि ये जो स्पेलिंग करेक्टनेस थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए थियोडोलाइट दो टाइप्स के डेवलप किए गए। सबसे पहला तो एक था वर्नियर थियोडोलाइट, ठीक है ना। और दूसरा जो अब डेवलप किया गया उसको बोला गया प्रिसाइज ऑप्टिकल थियोडोलाइट। देखिए दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट हम लोग को मिला ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए आपकी थियोडोलाइट दो टाइप की मिला, एक वर्नियर थियोडोलाइट, दूसरा ऑप्टिकल थियोडोलाइट, ठीक है ना। वर्नियर थियोडोलाइट जो आपकी थे उसमें जो यूज करते थे वर्नियर का यूज करते थे, कौन स्केल का यूज करते थे, वह स्केल यूज करते थे रीडिंग लेने के लिए, फॉर टेकिंग रीडिंग के लिए हम लोग क्या चीज़ का यूज करते थे बाबू, वर्नियर का यूज करते थे। किस चीज़ का यूज करते थे, फॉर टेकिंग रीडिंग के लिए क्या यूज करते थे बाबू, हम लोग जो यूज करते थे वो वर्नियर का यूज करते थे, ठीक है ना। इसीलिए इस थियोडोलाइट को बोलते थे वर्नियर थियोडोलाइट। यहाँ पे प्रिसाइज ऑप्टिकल थियोडोलाइट में जो हम लोग रीडिंग लेने के लिए जो यूज करते थे वो हम लोग ऑप्टिकल सिस्टम का यूज करते थे। का चीज़ का यूज करते थे बाबू, ऑप्टिकल सिस्टम का यूज करते थे, ठीक है ना। ऑप्टिकल कहने का मतलब रिलेटेड टू लाइट, यानी लाइट से रिलेटेड, यानी लाइट का वेव से या लाइट को पास करके या लाइट के मतलब रे के हिसाब से, वेवलेंथ के हिसाब से हम लोग सारे एक्यूरेसी को देखते थे, यानी सारे मेजरमेंट लेते थे, ठीक है ना। तो प्रिसाइज में हम लोग जो रीडिंग लेते थे वो ऑप्टिकल सिस्टम से लेते थे, और ऑप्टिकल सिस्टम में जो रीडिंग को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग रीडिंग को ऑब्जर्व करने के लिए जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे इसमें प्रिसाइज ऑप्टिकल थियोडोलाइट में रीडिंग को ऑब्जर्व करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे उस इंस्ट्रूमेंट का नाम था माइक्रोमीटर। क्या नाम था बा, माइक्रोमीटर, ठीक है ना। देखिए ऐसा इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपकी एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे, क्योंकि 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव है ना बा। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे वर्नियर थियोडोलाइट में हम लोग जो स्केल यूज करते थे रीडिंग लेने के लिए वो वर्नियर यूज करते थे, और यहाँ पे रीडिंग लेने के लिए जो हम लोग सिस्टम यूज करते थे जिसका नाम था ऑप्टिकल सिस्टम, और रीडिंग को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग यूज करते थे माइक्रोमीटर। यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट रीडिंग को ऑब्जर्व करने के लिए यूज करते थे वो सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज कर लेते थे, या सिंपली लेंस बोल दो, ठीक है ना, जो कि अभी आगे आने वाला फिगर में दिखाया जाएगा, ठीक है ना। एक्यूरेसी की जहाँ तक बात आती है तो हम लोग सबसे पहला बात हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे लिस्ट काउंट का मतलब आपको प्रीवियस कर्व में बताया गया कि लिस्ट काउंट होता क्या है। लिस्ट काउंट का मतलब फिर से एक और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कितना कम से कम एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट कर सकता है, वही बताता है लिस्ट काउंट। फिर से समझिए लिस्ट काउंट, ठीक है ना। लिस्ट काउंट करने का मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कम से कम कितना मेजरमेंट कर सकता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लिस्ट काउंट, ठीक है ना। हाँ चलिए इस बात को समझिए। हाँ जैसे पहले बोलता था कि हाथी का लिस्ट काउंट कितना होगा, ऊँट का लिस्ट काउंट कितना होगा, तो बोला कि जीरा, हाँ जीरा से कम नहीं खा सकता था ना। इस लिस्ट काउंट का मतलब समझिए, लिस्ट काउंट जो इसकी होती थी वर्नियर थियोडोलाइट का जो लिस्ट काउंट होती थी, लिस्ट काउंट ऑफ लिस्ट
काउंट ऑफ वर्नियर थियोडोलाइट के जो लिस्ट काउंट होती थी वो बात आप लोग याद कर लीजिएगा ना, रटा रटाया चीज 20 सेकेंड, कितना बहुत 20 सेकेंड याद रखिएगा हमेशा कि जो वर्नियर थियोडोलाइट है उसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है, तो 20 सेकेंड, ठीक है। दूसरी बात जो होती है आपकी ऑप्टिकल थियोडोलाइट है, इसकी अगर लिस्ट काउंट की बात किया जाए, ऑप्टिकल या प्रिसाइज ऑप्टिकल थियोडोलाइट की जो लिस्ट काउंट होती है वो लिस्ट काउंट ऑफ प्रिसाइज ऑप्टिकल थियोडोलाइट, ठीक है ना, इज 1 सेकेंड, 1 सेकेंड या 1 सेकेंड ऐसे भी लिख सकता है, या और लेस देन 1 सेकेंड, ठीक है ना। इस बात को समझने की कोशिश करो कि आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। देखो ऑप्शन डिपेंडेबल यहाँ पे हो जाते हैं, क्या कि अगर प्रिसाइज ऑप्टिकल थियोडोलाइट की अगर लिस्ट काउंट पूछे तो आप बताओगे 1 सेकेंड, लेकिन ऑप्शन में 1 सेकेंड नहीं है, लेस देन 1 सेकेंड है, तो आपकी करेक्ट आंसर होगी लेस देन 1 सेकेंड, ठीक है ना, इस चीज को समझिए। तो अभी अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट थियोडोलाइट कौन हुआ, वर्नियर हुआ या प्रिसाइज ऑप्टिकल थियोडोलाइट हुआ। तो आप यहां से ये बोलोगे कि सर आपने जो अभी अभी बताया उसके अनुसार प्रिसाइज ऑप्टिकल थियोडोलाइट ही मोस्ट एक्यूरेट, यानी एक्यूरेसी के मामले में सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी लिस्ट काउंट बहुत छोटा है, यानी छोटा से छोटा वैल्यू को भी मेजरमेंट कर सकता। हाँ, ये बात भी सही है, इसीलिए इसको बहुत, मतलब जहाँ पे हाई एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे प्रिसाइज थियोडोलाइट यानी प्रिसाइज ऑप्टिकल थियोडोलाइट का यूज करते हैं, लेकिन जनरली जो हम लोग यूज करते हैं वो वर्नियर थियोडोलाइट का यूज करते हैं। तो ये वर्नियर थियोडोलाइट हुआ कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ठीक है ना, इन सर्वे वर्क, ठीक है ना। सर्वे वर्क में सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो वर्नियर थियोडोलाइट का यूज होता है। ये बहुत, मतलब जहाँ पे हाई एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होगी या मतलब और भी बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना, जनरली इसका यूज नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। देखो इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग एक और नाम जानते हैं, प्रिसाइज ऑप्टिकल थियोडोलाइट का एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं माइक्रो ऑप्टिकल थियोडोलाइट। क्या बोलते हैं वो? क्यों? क्योंकि अगर माइक्रोमीटर से रीडिंग लेते हैं इसीलिए इसको एक और नाम से जानते हैं। दिखाई पड़ रहा है ना इधर? हाँ, नहीं दिखाई पड़ रहा, सुन रहे हैं ना, माइक्रो ऑप्टिकल थियोडोलाइट। इट इज आल्सो नोन एज माइक्रो ऑप्टिकल थियोडोलाइट। लिखिए लीजिए, इट इज आल्सो नोन एज, दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ, नोन एज माइक्रो ऑप्टिकल थियोडोलाइट, ठीक है ना। नहीं अगर दिखाई पड़ा तो बोल रहे हैं, सुन के आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना, इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। तो इतना बात आपकी थियोडोलाइट से हुई कंप्लीट। और मेन बात जो याद रखना है कि यहाँ पे जो लिस्ट काउंट की बात, वर्नियर स्केल की लिस्ट काउंट इतनी होती है, यानी वर्नियर थियोडोलाइट की लिस्ट काउंट 20 सेकंड होती है, और आपकी प्रिसाइज ऑप्टिकल थियोडोलाइट की जो लिस्ट काउंट होती है वो 1 सेकेंड होती है या ओकरा से लेस देन 1 सेकेंड होती है। इस बात को आप अंडरलाइन करके सीखोगे, ठीक है ना। हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं वर्नियर थियोडोलाइट, तो वर्नियर थियोडोलाइट को भी मॉडिफाई कर दिया गया है, और इसके भी 2 टाइप्स मिले। एक को बोलते हैं ट्रांजिट थियोडोलाइट, और दूसरा जो हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ वर्नियर थियोडोलाइट ही पूरा पढ़ना है, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है ट्रांजिट थियोडोलाइट, और एक होता है नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। ठीक है ना, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट, ठीक है ना। अब इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता है और नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट।
क्या होता है, इस चीज को आप समझने की कोशिश करो। तो ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता है कि रोटेशन ऑफ थियोडोलाइट इन इन वर्टिकल वर्टिकल प्लेन इन वर्टिकल प्लेन थ्रू 180 डिग्री क्या होगा अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर इसको बोलते हैं, इस वाले को क्या बोलते हैं भाव, देखिए इस वाले को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब बताइए इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस और इसको बोलेंगे वर्टिकल प्लेन। देखिए दिखाई पड़ रहा है ना? हाँ, इस चीज को समझिए, इसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। तो क्या बोलेंगे भाव? वर्टिकल प्लेन। और देखिए वर्टिकल प्लेन में क्या होगा, ये थियोडोलाइट घूमेगा। क्या करेगा? थियोडोलाइट घूमेगा किसके अबाउट? तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट। जब थियोडोलाइट हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट वर्टिकल प्लेन में अगर 180 डिग्री तक घूम सकता है, तब उस थियोडोलाइट को हम लोग बोलेंगे ट्रांजिट थियोडोलाइट। ठीक है ना? इस चीज को समझिए। क्या होता है, वर्नियर थियोडोलाइट को अगर जब 180 डिग्री के साथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर रोटेट कर रहा है, तब उस थियोडोलाइट को हम बोलेंगे ट्रांजिट थियोडोलाइट, और जब ऐसा नहीं कर रहा है तब हम उसको बोलेंगे नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट, यानी ये घूमवे नहीं करेगा, रुकल रहेगा। ठीक है ना? तो लिखेंगे रोटेशन ऑफ थियोडोलाइट इन वर्टिकल प्लेन या डू नॉट लिखिए, डू नॉट रोटेट पूरा लिख दीजिए, डू नॉट रोटेट इन वर्टिकल प्लेन थियोडोलाइट इन वर्टिकल प्लेन थ्रू 180 डिग्री अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इस चीज को आप समझिए। ठीक है ना? कि अगर रोटेशन अगर होगा 180 डिग्री के साथ वर्टिकल प्लेन में, तब हम उसको बोलेंगे ट्रांजिट थियोडोलाइट। ठीक है ना? अभी इस चीज को सिर्फ समझिए कि ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता है। ठीक है ना? कि अगर आपकी रोटेशन वर्टिकल प्लेन में अगर 180 डिग्री पर हो रहा है, तब उसको बोलेंगे ट्रांजिट थियोडोलाइट, और अगर कोई रोटेशन नहीं हो रहा है 180 डिग्री पर या 180 डिग्री से कम पर भी, तब उसको हम बोलेंगे नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। इस चीज को आप पूरा बढ़िया से समझ और इसको इरेज नहीं करते हैं, छाप लीजिए पहले। ठीक है ना? एक बात और पहले यहीं पे सीख लीजिए कि जो ट्रांजिट थियोडोलाइट है 180 डिग्री पर रोटेट कर रहा है, इसका मतलब इससे रीडिंग लेना हमारा क्या होगा? आसान होगा। इसीलिए इस ट्रेंडिंग में चल रहा है, यही थियोडोलाइट आपकी ट्रेंडिंग वन में है। ठीक है ना? ये ट्रेंडिंग में थियोडोलाइट चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? तो ट्रेंडिंग में ट्रांजिट थियोडोलाइट चल रहा है। नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट रोटेट नहीं करता है, इसीलिए आउट ऑफ फैशन हो गया है। क्या हो गया भाव? आउट ऑफ फैशन हो गया है। इस चीज को भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट है जो क्या हो गया भाव? आउट ऑफ फैशन हो गया है। ठीक है ना? यानी जितना भी हम लोग को बात पढ़ना है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिट थियोडोलाइट के बारे में ही पढ़ना है। ये सब के बारे में सिर्फ ओवरव्यू लेना था कि ऑब्जेक्टिव छूट ना जाए। तो हम लोग आइए अभी अभी हेडिंग फ्रेश देते हैं ट्रांजिट थियोडोलाइट के बारे में, कि ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता है। ठीक है? नहीं तो वीडियो लंबा होने से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रोक देते हैं। ठीक है? नहीं, रोकते नहीं हैं, इसको लिख लीजिए और बताते हैं। ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, दिखाई पड़ा ना? छाप लिए होंगे, एक बार समरी के तौर पर देख लेते हैं
थियोडोलाइट जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी की बेस पर दो टाइप के थियोडोलाइट मिला, एक वर्टिकल वर्नियर थियोडोलाइट, दूसरा प्रिसाइज ऑप्टिकल थियोडोलाइट, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कि स्केल था यहाँ पे वर्नियर में जो मतलब रीडिंग को लेने के लिए जो हम लोग स्केल यूज कर रहे थे, जो वर्नियर स्केल यूज कर रहे थे, प्रिसाइज ऑप्टिकल में रीडिंग को टेक इन करने के लिए हम लोग को ऑप्टिकल सिस्टम था, इसका मतलब लाइट वेव का यूज कर रहे थे, ठीक है ना। इसको रीडिंग को ऑब्जर्व करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे थे जिसका नाम था माइक्रोमीटर, लेकिन यहाँ पे जो रीडिंग को ऑब्जर्व करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे थे सिंपली माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप या सिंपली लेंस भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी लिस्ट काउंट की, तो लिस्ट काउंट वर्नियर के देख रहे थे 20 सेकेंड और यहाँ पे ऑप्टिकल को देख रहे थे 1 सेकेंड या उससे भी कम, लिस्ट काउंट भी बात हुई फिनिश। वर्नियर सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है सर्वे वर्क में वो है वर्नियर थियोडोलाइट। तो वर्नियर थियोडोलाइट को दो पार्ट में दिखाया गया है, सबसे पहला एक ट्रांजिट थियोडोलाइट और दूसरा था नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता था, तो वो थियोडोलाइट जो 180 डिग्री के 180 डिग्री के वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री के अबाउट रोटेट करे, और किसके अबाउट रोटेट करे, तो बोला कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ रोटेट करेगा तब उसको बोलेंगे ट्रांजिट थियोडोलाइट, और जो रोटेट नहीं करेगा तब उसको हम क्या बोलेंगे, वो नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। ये हो गया ऑटो फैशन, अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, ट्रांजिट थियोडोलाइट, ठीक है। तो आइए हम लोग फ्रेश फ्रेश हेडिंग बनाते हैं, ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता है, तब तक के लिए इरेज करते हैं पॉज करके। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांजिट थियोडोलाइट देखने में होता कैसा है, ठीक है। अभी इधर हम फिगर एक लगाते हैं और फिगर लगाने के बाद उसको हम फिगर डायग्रामेटिकली ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। देखिए आप इस चीज़ को समझिए, ये जो फिगर है ये सिर्फ और सिर्फ देख करके खुश होने में अच्छा रहेगा, लेकिन एग्जाम में अगर फिगर बनाने की बात आती है तो हम लोग सिर्फ यही वाला फिगर प्रोजेक्टर से दिखा दे तो उसे नहीं, आपको वो स्टार्ट करने का अप्रोच पता होना चाहिए कि इस फिगर को हम कैसे अप्रोच करें, कैसे बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो आइए सबसे पहले ट्रांजिट थियोडोलाइट का एक फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या कीजिए, नीचे वाला एक प्लेट देखिए, अभी क्या करते हैं इसके पहले थोड़ा सा एक वीडियो लगाते हैं, ठीक है ना। वीडियो को पूरा एनालिसिस कर लीजिए और करने के बाद तब हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं इसकी 3D डायग्राम। हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि थियोडोलाइट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यानी कौन कौन से कंपोनेंट होती है, और उस कंपोनेंट का थियोडोलाइट में कहाँ पोजिशन होता है। साथ ही साथ थोड़ा बहुत हम लोग वर्क पर भी विचार करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो आइए टाइम को बर्बाद ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं थियोडोलाइट के सबसे निचले हिस्से से, ठीक है। देखिए थियोडोलाइट के सबसे निचले हिस्से में गुना कटा हुआ होता है, यानी इसको थ्रेडेड पोर्शन भी बोलते हैं या चूड़ीदार भाग भी बोलते हैं, ठीक है ना। बड़े आराम से इस चीज़ को देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है ना। इस चूड़ीदार भाग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं थियोडोलाइट को ट्राइपोड में कसने के लिए, यानी फिट करने के लिए। ये थ्रेडेड पोर्शन से हम लोग थियोडोलाइट में इसको आराम से फिट कर लेते हैं, कस लेते हैं, ठीक है। कसने के बाद हम लोग सोचते हैं दूसरा स्टेप लेवलिंग करना, ठीक है ना। तो लेवलिंग करने के लिए जो आपकी इंस्ट्रूमेंट है यानी थियोडोलाइट है, थियोडोलाइट जहाँ से मूव कर रहा है उसके निचले हिस्से, यानी देखिए ये वाला हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को हम लोग बोलते हैं लेवलिंग हेड, ठीक है ना। लेवलिंग हेड में दो प्लेट लगा होता है, एक ऊपर वाला प्लेट एक नीचे वाला प्लेट। तो ऊपर वाला प्लेट को बोलते हैं ट्राई ब्राच और नीचे वाला प्लेट को बोलते हैं ट्राई बेट। दोनों के बीच में स्क्रू लगा होता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं फुट स्क्रू। ये स्क्रू का काम है घुमा करके आप थियोडोलाइट को लेवल में लाना, ठीक है ना। घुमाते समय एक बात को ध्यान होनी चाहिए कि आप एक ही डायरेक्शन में दोनों स्क्रू को घुमाओगे, क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो क्लॉकवाइज घुमाएगो और एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, ठीक है ना। इतना बात आप लोग को क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग जैसे ही ऊपर बढ़ते हैं थियोडोलाइट में तो आपके स्क्रू देखने को मिलता है, ठीक है ना। इस स्क्रू को बोलते हैं क्लैंपिंग स्क्रू, ठीक है ना। जब आपकी क्लैंपिंग स्क्रू लूज रहती है तो थियोडोलाइट फ्रीली रूप से आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करते हैं, ठीक है ना। बड़े आसानी से देखिए, जब आपकी क्लैंपिंग स्क्रू अगर लूज रहते हैं तो थियोडोलाइट पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल में मूव करता है। जब हम क्लैंपिंग स्क्रू को टाइट कर देते हैं, क्या करते हैं, देखिए पूरी तरह से टाइट कर रहे हैं, टाइट करते हैं तो आपकी थियोडोलाइट में मोशन बंद हो जाता है, यानी मूवमेंट नहीं करता है, ठीक है ना। इस चीज़ देखिए नहीं मूव कर रहा है, देखिए नहीं मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो एक क्लैंपिंग स्क्रू को अपन टाइट कर दिया, देखिए फिर ढीला कर दिया, फिर मूव करने लगा, ठीक है ना। तो क्लैंपिंग स्क्रू का काम
उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी हम थियोडोलाइट में वर्टिकल मोशन के लिए सोचते हैं। तो वर्टिकल मोशन के लिए देखिए, फिर से ऊपर में दो गए स्क्रू है, देखिए एक स्क्रू इधर एक स्क्रू उधर, ठीक है ना। ये दोनों स्क्रू को बोलते हैं टेंजेंशियल स्क्रू। क्या बोलते हैं वो? टेंजेंशियल स्क्रू। और इस टेंजेंशियल स्क्रू का मेन काम है वर्टिकल मोशन लाना, ठीक है ना। थियोडोलाइट का वर्टिकल मोशन लाना, ठीक है ना। देखिए ये इसको कस दिए, ढीला कीजिए, देखिए वर्टिकल मोशन आएगा, ठीक है ना। देखिए बता रहा है वर्टिकल मोशन, ठीक है ना। इतना बाद उम्मीद है क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। जैसे ही ऊपर मूव करते हैं तो आपको प्लेट मिलता है, दो प्लेट, एक ऊपर वाला प्लेट एक नीचे वाला प्लेट। ऊपर वाला प्लेट को बोलते हैं वर्नियर प्लेट और नीचे वाला को बोलते हैं लोअर प्लेट, ठीक है ना। लोअर प्लेट में मेन स्केल होता है और ऊपर वाला प्लेट में नहीं, अपर प्लेट में वर्नियर स्केल होता है, ठीक है ना। तो वर्नियर स्केल देखिए, दो वर्नियर स्केल, एक ये है और इस वर्नियर स्केल पर रीडिंग को मेजरमेंट करने के लिए देखिए दूसरा वर्नियर स्केल ये है, ठीक है ना। और इस वर्नियर स्केल में रीडिंग को मेजरमेंट करने के लिए आपके पास लेंस लगा हुआ होता है, देखिए ये लेंस है। इसी लेंस के हेल्प से हम लोग रीडिंग को मेजरमेंट करते हैं। उम्मीद है क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। देखिए इधर भी लेंस लगा हुआ है और यहाँ से भी हम लोग रीडिंग को लेंगे, ठीक है। उम्मीद है क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। जैसे ही आते हैं तो देखिए आपको एक स्पिरिट बबल या बबल ट्यूब दिखाई पड़ता है। बबल ट्यूब का एक ही काम है लेवलिंग करना। देखिए इस स्क्रू को घुमाने से अगर ये सेंटर में आ जाता है तो हम समझेंगे कि हमारा थियोडोलाइट जो सेटिंग किए हैं वो पूरी तरह से लेवल में है, ठीक है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है ना, ट्राइपोड का लेग टेढ़ा उड़ा होता है, ठीक है ना। तो उसको सेंटर में लाने के लिए इस लेंस से हम लोग देखते हैं या इस स्क्रू को सहारा लेते हैं, ठीक है ना। इस बात को आप लोग को समझ आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए बड़े ध्यान से यहाँ पे लेंस लगा होता है, इससे आप देख सकते हो, ठीक है ना। जैसे ही इसके बाद ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने के बाद आपको देखिए यहाँ से ये तो प्लेट दिख ही रहा है, ठीक है ना। हाँ यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। देखिए पूरा घुमा घुमा करके देख लीजिए आप लोग, बड़ा आराम से इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही ऊपर मूव करते हैं, ऊपर जैसे ही मूव करते हैं तो देखिए आप लोग को क्या देखने को मिलता है। अभी तक यहीं पर देखिए, यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं वर्टिकल सर्किल। क्या बोलते हैं बाबू? वर्टिकल सर्किल। वर्टिकल सर्किल में भी दोनों साइड वर्नियर लगा होता है, ठीक है ना, रीडिंग को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए वर्नियर में रीडिंग को मेजरमेंट करने के लिए आँख से हो सकता है कि थोड़ा सा क्लियर ना दिखे, इसीलिए लेंस का प्रयोग कर लेते हैं हम लोग। और लेंस के सहारे से हम लोग क्या करते हैं, रीडिंग को मेजरमेंट करते हैं। इसको भी लेवल करने के लिए ऊपर लेवल ट्यूब दिया गया है, बबल ट्यूब दिया गया है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ और यहाँ पे इतना बात पढ़ने के बाद आपको जैसे ही आगे मूव किए तो मूव करने के बाद देखिए आपको एक फ्रेम दिख रहा है, ए फ्रेम। इस फ्रेम को बोलते हैं ए फ्रेम, जिसमें आपकी वर्टिकल सर्किल अटैच है, थियोडोलाइट अटैच है, ठीक है ना। देखिए ये वाला जो स्क्रू है ये टेलीस्कोप, देखिए ये वाला को बोलते हैं टेलीस्कोप, देखिए इसको बोलते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप को मोशन कराना है या मोशन से रिस्ट्रिक्ट कराना है या मूवमेंट को बंद करना है तो इस स्क्रू को सहार लेते हैं। अगर इस स्क्रू को लूज करोगे तो टेलीस्कोप मूव करेगा, देखिए लूज कर दिए मूव करेगा। लेकिन अगर इस स्क्रू को टाइट करेंगे तो टेलीस्कोप मूव नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर टाइट करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको स्लो मोशन से इसको मूवमेंट कराना है, देखिए इस स्क्रू को सहार लेते हैं और इसी स्क्रू को बोलते हैं स्लो मोशन स्क्रू। इस चीज़ को आप ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे वैन को साइट करने के लिए आपकी दो ई वाला से साइट करते हैं, जो छेदा छेदा दिख रहा है ना उसको बोलते हैं साइटिंग वैन, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट पीस और इसको बोलते हैं आई पीस, ठीक है ना। सॉरी इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट पीस और पीछे वाला को बोलते हैं आई पीस, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट पीस, ठीक है ना, और जहाँ से हम लोग देखते हैं उसको बोलते हैं आई पीस। देखिए ये हुआ आपकी आई पीस और यहाँ से देखिए इस छेदा के सहारा से हम लोग देखते हैं और आप सारे मतलब सारे लेवलिंग स्टाफ को या रीडिंग स्टाफ को मेजरमेंट करते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ रहा होगा। देखिए इसको बोलते हैं जहाँ से देखेंगे उसको बोलेंगे आई पीस और जहाँ से ऑब्जेक्ट को देखेंगे यानी लेबलिंग स्टाफ को देखेंगे उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट पीस, ठीक है ना। देखिए इसको बोलते हैं ए फ्रेम, देखिए बड़े आराम से देखिए इसको बोलते हैं ए फ्रेम, जिसमें सारा ऊपर वाला यानी वर्टिकल सर्किल और टेलीस्कोप अटैच होता है। देखिए इस फ्रेम को ए फ्रेम इसलिए बोलते हैं चूँकि इसका शेप ए के जैसे। प्रैक्टिकल वाला वीडियो देखने से आपको
थियोडोलाइट का सारा पार्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा कि कौन सी पार्ट कहाँ पे है और उसको किस लिए मतलब वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो आइए हम उसी को आगे अभी मूव करते हैं और उसको बाय हैंड अपने हाथों से उसको मतलब कैसे ट्रेस करेंगे उसको सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहला तो हम लोग वहाँ पर देखे थे, जब वीडियो देख रहे थे तो सबसे पहले स्टार्ट ही किए थे हम लोग थ्रेडेड पोर्शन से, नीचे वाला पोर्शन से जिसको थ्रेडेड पोर्शन चूड़ीदार भाग से। ठीक है ना, हम जब यहाँ पे अपने से फिगर बनाना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग लेवलिंग हेड से बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, देखिए लेवलिंग हेड में दो गो प्लेट था, एक अपर प्लेट था और दूसरा आपकी लोअर प्लेट थी। ठीक है ना, ये दो प्लेट थी, तो एक प्लेट पहले बना लीजिए, कोई अकबकाना नहीं है, थोड़ा वीडियो का ड्यूरेशन लंबा होगा उससे क्या दिक्कत है, अकबकाने से थोड़ी ना पढ़ाई होती है, पढ़ाई स्थिरता से होती है। तो आप ऐसे बोल रहे हो, आप पढ़ते थे क्या? नहीं नहीं पढ़ते थे भाई। ठीक है ना, चलो ये नीचे वाला प्लेट बन गया। ठीक है ना, देखिए लेवलिंग हेड में दो प्लेट थे, एक ऊपर वाले प्लेट थे और दूसरे नीचे वाले प्लेट थे। तो देखिए ऊपर वाला प्लेट हम बनाने की कोशिश करते हैं, देखिए बड़ा आराम से इस डायग्राम को ट्रेस करने की कोशिश करो, कोई अकबकाना नहीं है। ठीक है ना, एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा और तीसरा पॉइंट ये मिलेगा। ठीक है ना, ठीक है ना, और इसको यहाँ से ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, जाओ जाओ आ गया। ठीक है ना, और ये वाला जो आपके मिले, ये वाला, ये ऊपर वाली प्लेट हुई, ये ऊपर वाली प्लेट हुई, ऐसा हैचिंग इसलिए कर दे रहे हैं ताकि प्लेट क्लियर क्लियर आपको दिखे। ठीक है ना, ये देखिए एक नीचे वाला प्लेट हुई, एक ऊपर वाला प्लेट हुई। ठीक है ना, इसी के जस्ट नीचे आपकी यहाँ से रेड कलर से आपको दिखाने की कोशिश करते थे कि यहाँ से एक थ्रेडेड होल था, एक थ्रेडेड होल था, उस थ्रेडेड होल के सहारे आप क्या कर रहे थे, ट्राइपोड में, ट्राइपोड पर इसको रख रहे थे, माउंटेड कर रहे थे, रख रहे थे। ठीक है ना, इस थ्रेडेड हेल से इसको कस रहे थे। ठीक है ना, इस चीज़ को भी आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। ठीक है ना, हाँ, अब इसके बाद क्या देख रहे थे कि यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन को हम लोग बोल रहे थे लेवलिंग हेड। क्या बोल रहे थे भाव, यहाँ से यहाँ तक के पूरे पार्ट को बोल रहे थे भाव लेवलिंग हेड, लेवलिंग हेड। ठीक है ना, और लेवलिंग हेड में दो प्लेट थे, कितना प्लेट थे भाव, दो प्लेट थे। लेवलिंग हेड में कितना प्लेट थे, दो प्लेट थे, एक अपर प्लेट, अपर प्लेट और एक बोल रहे थे लोअर प्लेट। क्या बोल रहे थे भाव, लोअर प्लेट। ठीक है ना, अपर प्लेट को हम लोग बोल रहे थे ट्राई ब्राच। क्या बोल रहे थे भाव, ट्राई ब्राच। और नीचे वाला प्लेट को बोल रहे थे ट्राई बेट। क्या बोल रहे थे भाव, ट्राई बेट। इस चीज़ को आप पूरा क्रिस्टल क्लियर कीजिएगा, लेवलिंग हेड में प्लेट हो रहे थे दो गो, एक ऊपर प्लेट और दूसरा नीचे वाला प्लेट। ऊपर वाला प्लेट और नीचे वाला प्लेट को दो नाम था, ऊपर वाला प्लेट का नाम था ट्राई ब्राच और नीचे वाला प्लेट को बोलते ट्राई बेट। इस चीज़ को भी समझिए। दूसरी खास बात ये थी कि ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में स्क्रू लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था भाव, स्क्रू लगा हुआ था। ये दोनों के बीच में क्या लगा हुआ था भाव, देखो बड़ा आराम से यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा वीडियो का ड्यूरेशन लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बर्दाश्त करके देखिएगा, इतना दिन से बर्दाश्त किए तो भाई बर्दाश्त करके देखिए, नहीं तो कोई ख़तरनाक दिमाग नहीं लगाइए। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे एक स्क्रू लगा था, दूसरा स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ था। ठीक है ना, मान लीजिए ये स्क्रू लगा हुआ, ठीक है ना, स्क्रू। अब यही स्क्रू का काम आगे चल के बताएंगे कि स्क्रू क्या करता था। ठीक है, फिर अभी आगे की फिगर ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही इसके आगे बढ़ें, जैसे ही इसके क्या करें भाव, आगे बढ़ें, यहाँ से नहीं बढ़ो, जैसे ही इसके आगे बढ़ें तो हम लोग को आगे क्या मिला, एक सर्किल मिला, एक इस टाइप के सर्किल मिला हम लोग को। ठीक है ना, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए, इस टाइप के सर्किल मिला थियोडोलाइट में। ठीक है ना, इस सर्किल को हम लोग बोल रहे थे हॉरिजेंटल सर्किल। क्या बोल रहे थे भाव, हॉरिजेंटल सर्किल। बड़े आराम से चीज़ों को समझिए, हॉरिजेंटल सर्किल। ठीक है ना, अब बताइए इस हॉरिजेंटल सर्किल में भी दो लेयर थे। ठीक है ना, एक अपर की लेयर,
ठीक है ना। इस हॉरिजेंटल सर्किल में भी कितना लेयर था बाबा, दो लेयर था, कितना था, दो लेयर था, ठीक है ना, ठीक है ना, दो लेयर था, दिख रहा है कि दो लेयर में है, ठीक है ना। देखिए नहीं दिख रहा है तो इसको कटिंग कर दीजिए, देखिए एक लेयर ऐसा ऐसा, दो लेयर, ठीक है ना, दो को प्लेट होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए दो लेयर में ये सर्किल है, ठीक है ना, इस सर्किल में दो लेयर है, एक लेयर को बोलेंगे, ऊपर वाले लेयर को हम लोग बोलेंगे अपर हॉरिजेंटल सर्किल, अपर हॉरिजेंटल सर्किल, और नीचे वाला को बोलेंगे लोअर लोअर हॉरिजेंटल सर्किल। इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश कीजिए कि ऊपर वाला को बोलेंगे अपर हॉरिजेंटल सर्किल और नीचे वाला को बोलेंगे लोअर हॉरिजेंटल सर्किल, ठीक है ना। देखिए अपर हॉरिजेंटल सर्किल में हम लोग को एक और नाम जानता है, अपर हॉरिजेंटल प्लेट बोल सकते भी है, ठीक है ना, या अपर सर्कुलर प्लेट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, उसी का नाम है। इसको एक और नाम बोल सकता है अपर हॉरिजेंटल सर्किल, अपर सर्किल या लोअर सर्किल, ठीक है ना। इसमें अपर वाला में क्या होता था, वर्नियर वर्नियर लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था वह वर्नियर स्केल लगा हुआ था। देखिए बड़े आराम से इस चीज को समझिए कि ऊपर वाला जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर वाला प्लेट को बोल रहे थे ऊपर प्लेट, अपर प्लेट, और अपर प्लेट में आपके क्या लगा हुआ था वह वर्नियर स्केल लगा हुआ था, ठीक है ना। लोअर प्लेट में क्या देखे थे वह कि लोअर प्लेट में मेन स्केल लगा हो रहा था, क्या लगा रहा था वह मेन स्केल, ठीक है ना। इस चीज को समझिए कि ऊपर वाला प्लेट में वर्नियर स्केल लगा हुआ था, अभी वीडियो देखूंगा तो समझ आ रहा होगा, और लोअर प्लेट में आपकी मेन स्केल लगा हो रहा था, इस चीज को समझिए, ठीक है। अब ये वाला को यही वाला प्लेट से मूव करता था, क्या करता था, थियोडोलाइट मूव करता था, तो मूव को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे स्क्रू लगाया रहता था, क्या लगाया रहता था वह यहाँ पे स्क्रू, देखिए यहाँ पे ये ऐसा स्क्रू लगाया रहता था, बड़े आराम से देखिए यहाँ पे भी एक स्क्रू लगाया रहता था ऐसा, देखिए फिगर में देखे होंगे तो आप लोग को समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक स्क्रू लगा हो रहा था जिससे क्या हो रहा था कि इस थियोडोलाइट को घूमने से रोक रहा था या घुमा रहा था, ठीक है ना। तो उस स्क्रू को बोल रहे थे क्लैंपिंग स्क्रू, क्या बोल रहे थे भाव, क्लैंपिंग क्लैंपिंग स्क्रू, ठीक है ना, क्लैंपिंग स्क्रू। क्लैंपिंग स्क्रू का एक ही काम था कि यहाँ पे इसको घूमने से रोक रहा था या घूमने से मतलब क्या कर रहा था, फ्री कर रहा था, रेस्ट्रिक्ट कर रहा था। क्लैंपिंग स्क्रू अगर ढीला कर रहे थे तो ये थियोडोलाइट घूम रहा था, और क्लैंपिंग स्क्रू को टाइट कर दे रहे थे तो पूरी तरह से थियोडोलाइट क्या कर रहा था, रुक जा रहा था। इसके साथ एक और स्क्रू लगाए थे जिसका नाम है टेंजेंशियल स्क्रू, इसके जस्ट 90 डिग्री पर स्क्रू लगा हुआ था, इस चीज़ को आप फोकस किए होंगे, इसके जस्ट 90 डिग्री पर एक स्क्रू लगा हुआ था जिसको बोल रहे थे कौन सा स्क्रू, टेंजेंशियल स्क्रू, जो रेड वाला कलर का जो स्क्रू है, देखिए टेंजेंशियल स्क्रू है, टेंजेंशियल स्क्रू। ये टेंजेंशियल स्क्रू का काम क्या था कि अगर थियोडोलाइट को वर्टिकल मोशन देने की जरूरत पड़ रही थी तब हम टेंजेंशियल स्क्रू का यूज कर रहे थे, ठीक है ना। देखिए कि यही वाला सर्किल में आपके यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरह का स्केल छोड़ा हुआ था, इसके जस्ट अपोजिट में एगो स्केल छोड़ा हुआ था, यहीं पे तो वर्नियर स्केल अटैच था कि नहीं, बोलिए अटैच था कि नहीं था, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहीं पे इसको बोलते हैं वर्नियर रीडिंग, यहीं पे से लेते थे क्या बाबा, वर्नियर रीडिंग लेते थे, और वर्नियर रीडिंग के लिए आपको यहाँ पे एक लेंस था, क्या था वह, लेंस अटैच था, और इसी लेंस से हम लोग क्या करते थे बाबा, देखते थे, इसी लेंस से हम लोग क्या करते थे बाबा, देखते थे। एक खास बात और थी कि यहाँ पे एक बबल ट्यूब लगाया था, इस चीज़ को आप गौर किए होंगे, यहाँ पे एक बबल ट्यूब लगाया हुआ था, और इस बबल ट्यूब में देखिए ये बबल ट्यूब इसको बोल रहे थे बबल ट्यूब, और ये बबल ट्यूब जो लगाया गया था ये बबल ट्यूब लेवलिंग करने में मदद कर रहा था, आपकी जो थियोडोलाइट है उसको लेवलिंग करने में मदद कर रहा था। कैसे, तो ये वाला स्क्रू को टाइट करते थे, ढीला करते थे, तो पूरी तरह से इंस्ट्रूमेंट क्या रहा था, लेवल में आ जा रहा था, ठीक है। जैसे ही इसके ऊपर करते थे तो यहाँ पे अगर वीडियो अगर बढ़िया से देखेंगे तो यहाँ पे
एक और स्क्रू दिखता था, एक और स्क्रू हम लोग को देखने को मिल रहा था, जिसको अपन कौन कलर से दिखाएं, ग्रीन कलर से दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक स्क्रू दिख रहा था और वो स्क्रू क्या कर रहा था वह कि नीचे जो ट्रिपोड है, इस जो ट्रिपोड को जो फिक्स किया है यहाँ पे दिखाई पड़ा ना, ये जो ट्रिपोड को फिक्स किया ये सेंटर में है कि नहीं, वो यहाँ पे वाला स्क्रू आपको बता रहा है, ठीक है, या बताएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही इसके ऊपर मूव करते हैं, तो आपको ए फ्रेम दिखता होगा। बड़े आराम से ए फ्रेम को ऐसे छापिए, ठीक है ना, ए फ्रेम। ए भी का चीज सिखा रहे हो, समझ नहीं आता, हम लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, ए भी मत सिखाओ, ठीक है ना। इसको बोलते थे ए फ्रेम। और ए फ्रेम में बड़े ध्यान से अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक एगो मोटा साफ्ट दिखा होगा। क्या दिखा होगा वह? स्पिंडल दिखा होगा, जिसको साफ्ट भी बोल सकता है या स्पिंडल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक स्पिंडल लगा होता है, ठीक है ना, स्पिंडल लगा होता है, ठीक है ना। अब इस स्पिंडल में क्या था, एक वर्टिकल सर्किल लगाया हुआ था। इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, एक वर्टिकल सर्किल यहीं पे अटैच था और वर्टिकल सर्किल में भी सेम चीज था, वर्नियर लगा हुआ था, मेन प्लेट लगा हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद इस वर्नियर के बगल, जस्ट बगल में आपकी एगो थियोडोलाइट लगा, सॉरी टेलीस्कोप लगा हुआ था, यहां से यहां ऐसा, देखिए टेलीस्कोप बढ़िया नहीं बन रहा है, आप लोग कितना बढ़िया बनाइएगा, हमारा अच्छा लगता है, आप लोग बनाइएगा बढ़िया, ठीक है ना। ये आपकी टेलीस्कोप है, क्या है, एक टेलीस्कोप स्पिंडल में फिक्स रहता है। देखिए आप लोग फिगर अपने से बनाइएगा, सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि फिगर बनाना स्टार्ट कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है ना, इस चीज़ को समझिए। तो ये स्पिंडल जो हम लोग बनाएं, इस स्पिंडल में हम लोग वर्टिकल सर्किल, जो रेड कलर से ये वर्टिकल सर्किल है ना, वर्टिकल सर्किल को फिक्स करते हैं, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारे ग्रेजुएशन कटे होते हैं, सारा प्रोसीजर है बताते हैं, ठीक है। देखिए तो ये टेलीस्कोप को मूव करने के लिए यहाँ पे एक और स्क्रू लगाया हुआ होता है, ठीक है ना, यहाँ पे एक स्क्रू लगाया होता है, ठीक है ना, जिससे आप टेलीस्कोप को आप रोटेट कर सकते हो, घुमा सकते हैं इधर उधर, ठीक है ना। अगर इसको कस दिया तो आप टेलीस्कोप फिक्स हो जाएगा, अगर नहीं कसे तो टेलीस्कोप रोटेट करते रहेगा। देखिए एक बात और हुआ कि अगर टेलीस्कोप को फिक्स कर दिए और पूरी तरह से टाइट कर दिए और आपको धीरे से थोड़ा सा आपको क्या करना है ना, टेलीस्कोप को घुमाना है इधर उधर, तो क्या करोगे, उसके लिए भी यहाँ पे एक अटैच होता है, यहाँ पे उसके लिए भी एक स्क्रू अटैच होता है, जिस स्क्रू का नाम है स्लो मोशन स्क्रू। इस चीज को भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा, स्लो मोशन स्क्रू। देखिए आप लोग कॉपी में बढ़िया से फेयर कीजिएगा ना, स्लो मोशन स्क्रू बोलेंगे ना उसको, ठीक है ना। देखिए ये वाला फ्रेम एक जैसा देखने में लगता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ए फ्रेम। क्या बोलते हैं भाव? ए फ्रेम। इस चीज को भी आप समझने की पूरा कोशिश कीजिएगा। इस फ्रेम का एक ही काम है कि आप थियोडोलाइट और वर्टिकल सर्किल को संभाल के रखो, ठीक है ना। एक बात और कि जब कभी भी ये वाला क्लैंपिंग स्क्रू को ढीला करते हैं, टाइट करते हैं, तो ये वाला सर्किल यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पोर्शन, थियोडोलाइट वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ मूव करता है। देखिए ऊपर वाला, नीचे वाला ये पोर्शन है, ये पोर्शन आपकी सिर्फ और सिर्फ लेवलिंग करने के लिए यूज करते हैं। देखिए तो इसको बोलते हैं क्लैंपिंग स्क्रू, क्या बोलते, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, फुट स्क्रू। क्या बोलते हैं वह? फुट स्क्रू। लेवलिंग हेड में जो प्लेट लगा होता है, दो तरह का प्लेट लगा होता है, अपर प्लेट और लोअर प्लेट। देखिए ये इसको बोलेंगे अपर प्लेट, ये वाला बोलेंगे लोअर प्लेट, ठीक है ना। अपर प्लेट को ट्राइब्राच, लोअर प्लेट को ट्राइबेट, ठीक है ना। ये वाला स्क्रू को बोलते हैं ग्रीन कलर, इसको बोलते हैं फुट स्क्रू। कहीं लिखे हैं क्या? नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, इसको बोलेंगे फुट स्क्रू, जूता वाला स्क्रू नहीं, फुट स्क्रू। इस चीज को भी आप समझने की पूरा कोशिश कीजिएगा। इस वाला का नाम क्या था? थ्रेडेड पार्ट,
या थ्रेडेड पोर्शन। देखिए यही कंपोनेंट आपकी मैक्सिमम कंपोनेंट को अपन लिख दिया, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला इसको एक बार समरी के तौर पर देखने की कोशिश करते हैं तो हम लोग ये समझेंगे। सबसे पहला जब वीडियो देख रहे होंगे तो सबसे पहला ये वाला पोर्शन आपको दिखा होगा। ये पोर्शन दिखने के बाद आपको ये दो प्लेट दिखा होगा जिसको हम लोग लेवलिंग हेड बोल रहे थे, और लेवलिंग हेड में दो प्लेट मिल रहा है, एक अपर प्लेट, अपर प्लेट को ट्राई ब्राच और लोअर प्लेट को ट्राई वेट। उसके बीच में आपकी दो स्क्रू मिल रहा होगा जिसको घुमा रहे होंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उस जस्ट ऊपर गए होंगे तो आपके चार स्क्रू दिखा होगा, एक को बोल रहे थे फुट क्लैंपिंग स्क्रू और एक को बोल रहे थे टेंजेंशियल स्क्रू। क्लैंपिंग स्क्रू को मेन काम है आपकी थ्योरलाइट की रोटेशन करवाना या थ्योरलाइट को घुमाना। अगर ये क्लैंपिंग स्क्रू लूज है तो थ्योरलाइट घूमेगा फ्रीली रूप से, अगर ये टाइट है तो थ्योरलाइट नहीं घूम पाएगा। इतना काम था। टेंजेंशियल स्क्रू का काम क्या था? टेंजेंशियल स्क्रू का एक ही काम था कि थियोडोलाइट की वर्टिकल मोमेंट देना। थियोडोलाइट का कैसा देना? वर्टिकल मोमेंट देना। उसके बाद जस्ट ऊपर गए तो आपके यहाँ पे प्लेट मिले, दो प्लेट मिले, एक अपर प्लेट और दूसरा मिले लोअर प्लेट। अपर प्लेट में वर्नियर लगा हुआ था और लोअर प्लेट में मेन स्केल लगा हुआ था। अपर प्लेट में वर्नियर स्केल और लोअर प्लेट में क्या था? मेन स्केल, ठीक है ना। देखिए ये जो लोअर प्लेट, यहाँ पे जो नोट पॉइंट है, इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा है, इस नोट पॉइंट को भी आप समझने की पूरा कोशिश करोगे, क्योंकि जब तक नहीं पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा तब तक कोई पढ़ने का मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है ना। हाँ तो देखिए आप लोग कि नोट पॉइंट ये हुआ था कि ये जो हॉरिजेंटल सर्किल का साइज, रुक जाइए इसको लैंग्वेज को हम अभी लिख देते हैं कि द साइज ऑफ थियोडोलाइट इज डिफाइंड बाय डायामीटर ऑफ हॉरिजेंटल लोअर सर्कुलर प्लेट, ठीक है ना। जो इसकी, देखिए अब ये बात आती है कि कितना डायमीटर का या कितना साइज का थियोडोलाइट है, ठीक है ना। तो थियोडोलाइट का जो साइज हम लोग डिसाइड करते हैं, ये जो लोअर प्लेट है ना, लोअर हॉरिजेंटल प्लेट की जितनी डायमीटर होगी उसी से हम लोग थियोडोलाइट की साइज डिटरमाइन करते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात किया जाए, ऐसा कह दिया कि 20 सेंटीमीटर की आपकी थियोडोलाइट है, इसका मतलब आप क्या समझोगे 20 सेंटीमीटर की थियोडोलाइट, इसका मतलब आप क्या समझोगे? इसका मतलब यही समझना है कि 20 सेंटीमीटर आपके है गिवन थियोडोलाइट, या 20 सेंटीमीटर का एक थियोडोलाइट है, 20 सेंटीमीटर क्या है, एक बहुत थियोडोलाइट है। इसका मतलब यही समझेंगे कि आपके पास जो थियोडोलाइट है उसका डायमीटर क्या है? 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब 20 सेंटीमीटर ऑफ थियोडोलाइट मींस डायामीटर ऑफ लोअर सर्कुलर प्लेट या लोअर हॉरिजेंटल सर्कुलर प्लेट इज। देखो 20 सेंटीमीटर का मतलब, 20 सेंटीमीटर वाला थियोडोलाइट का मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए बढ़िया से, कि आपकी 20 सेंटीमीटर का मतलब, थियोडोलाइट का मतलब समझिए कि 20 सेंटीमीटर दैट मींस डायमीटर ऑफ लोअर सर्कुलर प्लेट और लोअर हॉरिजॉन्टल प्लेट इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस चीज़ को समझिए कि अगर ऐसा कह दिया कि आपकी इस थियोडोलाइट की साइज कितना है तो कैसे बताओगे? तो लोअर प्लेट की जितना डायमीटर होगी, यानी अगर ये लोअर प्लेट है तो लोअर प्लेट की जितना डायमीटर होगी वही डायमीटर इसकी बताएगी साइज ऑफ थियोडोलाइट की। अगर ऐसा कह दे पहले से ही
कि ये जो थियोडोलाइट है जिसकी साइज 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब आप क्या समझोगे? इसका मतलब आप यही समझोगे कि ये जो थियोडोलाइट है उसकी लोअर प्लेट की डायामीटर 20 सेंटीमीटर है। चीज़ों को समझ आया? ये लोअर प्लेट की डायामीटर कितना है? 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। देखिए एक बात और यहाँ पे नोट पॉइंट के तौर पर ध्यान दे लीजिए कि आखिर कितना साइज तक थियोडोलाइट हो सकता है। तो देखेंगे द साइज ऑफ थियोडोलाइट लाइट इज वेरीज फ्रॉम 8 to 8 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक वेरी कर सकता। कोई कह दिया कि डायामीटर किसी थियोडोलाइट का 30 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या समझोगे? बोले इसका मतलब कुछ नहीं समझ, क्योंकि इसका रेंज है 25 सेंटीमीटर, ज़्यादा बड़ा थियोडोलाइट नहीं बना सकते हो, ठीक है ना। इसका मतलब कुछ नहीं समझना। देखिए इतना रेंज में आपकी होनी चाहिए। फिर से इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई थियोडोलाइट आपकी 20 सेंटीमीटर कह रही है, ऐसा कह रही है कि इस थियोडोलाइट एक मेरे पास है वो 20 सेंटीमीटर वाला थियोडोलाइट है, इसका मतलब आप क्या समझोगे? इसका मतलब आपको ये समझना है कि उस थियोडोलाइट की लोअर प्लेट की जो डायामीटर होगी, लोअर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेट की जो डायामीटर होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी। इस बात को समझिए, ठीक है ना। हाँ तो यही चीज़ यहाँ पे लिखाए हैं कि 20 सेंटीमीटर थियोडोलाइट का मतलब 20 सेंटीमीटर ऑफ थियोडोलाइट मीन्स डायामीटर ऑफ लोअर सर्कुलर प्लेट और लोअर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेट इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इस चीज़ का कंप्लीट एनालिसिस हुआ और डायग्राम समझ गए। यानी अगला दिन जो हम लोग मतलब स्टार्ट करेंगे कि बेसिक कंपोनेंट ऑफ थियोडोलाइट, यानी थियोडोलाइट की कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन से पार्ट है, उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। आज का क्लास इतना ही।